हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज विनी एंड आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, लाइफ स्टाइल, हॉल एंड चैलेंजेस। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। सो गाइज, हम लोग मतलब आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर 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 से कर देना। सो आई रिसेंटली विजिटेड लाजपत नगर मार्केट, सो मैंने काफ़ी सारा ट्रेडिशनल वियर वहाँ पे कलेक्शन देखा। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत कलेक्शन दिखा देती हूँ, पहले मार्केट में क्या क्या आया हुआ है, देन उसके बाद मैं एक लाजपत नगर हॉल इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो वॉच टिल दी एंड। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक आप लोग मार्केट देखो। सो गाइज, यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले स्टॉल देखा, ये इयररिंग्स का स्टॉल देखा। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह लगे हुए थे एंड यहाँ पे चोकर सेट भी आपको मिल जाएंगे। सो इनका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 180 था, तो ये वाले जो पीसेज हैं ये 180 में दे रहे थे वो। एंड ये चोकर्स वगैरह भी इतने प्यारे प्यारे कलरफुल, रेनबो वाला वो भी इतना प्रिटी लग रहा था। सो इनका स्टार्टिंग प्राइस आपको 180 से मिल जाएगा, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप इनसे प्राइस लगवा सकते हैं। जो ये वाला था ये मेरे को बहुत प्रिटी लगा। देन आपको थोड़ा सा आगे जाके एक शॉप दिखेगी जहाँ पे आपको कुर्ता वियर, सूट वियर, शरारा सूट, गरारा सूट, आपको इन टाइप के अगर सूट लेने हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हो। इनका जो प्राइस था वो 1800 प्लस आपको यहाँ पे प्राइस रेंज मिलेगी। जो अच्छे मतलब कुर्ता सेट्स होंगे आपको वो मिलेंगे, बिल्कुल यूनिक पीसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आप यहाँ पे इस वाली शॉप पे चेकआउट कर सकते हो। देन ऐसे बीच बीच में आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 600 के फ्लैट 600 ऑफ में आपको ये मिल जाएगा, कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो आप कुर्ता सेट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं एंड अलग अलग प्रिंट, अलग अलग डिज़ाइंस में आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन आपको सेम यहाँ पे इयररिंग्स की काफ़ी सारी शॉप्स आपको इयररिंग्स की मिल जाएगी, क्योंकि ये है ही एथनिक वेयर मार्केट, तो आपको एथनिक वेयर में मतलब मिलेगा इयररिंग्स वगैरह तो ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे चिकनकारी वर्क की कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी एंड फेमस, मतलब बहुत सुंदर सुंदर पीसेस यहाँ पे मिलते हैं। जो ये वाली शॉप है यहाँ पे 850 की मिल रही थी चिकनकारी कुर्ती, एंड ये जो पिंक वन है ये मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा देखी हुई है। सो आप यहाँ पे सिर्फ आपको 850 की मिल जाएगी, बट अगर आप इसको ऑनलाइन किसी स्टोर्स पे देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव मिलती है बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पे आपको जस्ट अंडर 1000 में मिल जाएगा। सो ये वाली जो पर्टिकुलर शॉप है ये मैं इसको रेनबो शॉप कहूँगी, बिकॉज यहाँ पे इतना कलरफुल सब कुछ था, इतना प्यारा प्यारा यहाँ पे सूट वगैरह लगे हुए थे। यहाँ की कलेक्शन मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। सो यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे आपको लेदर फुटवेयर्स मिल जाएंगे, मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर, जैसे ग्रीन वन, ग्रीन इतना ट्रेंड में है एंड आपको ग्रीन में फुटवेयर्स मिल जाएंगे, वाओ। एंड ये जो भी है ये मतलब आपको अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। सो आप ये वाली शॉप भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह तो मिले जाएंगे जहाँ पे 200 या 250 की सेल्स लग रही होगी फुटवेयर्स में, तो आप वो चीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने एक शॉप नोटिस की जहाँ पे फ्लैट मतलब सेल में 250 में एवरीथिंग मिल रहा था, सब कुछ आपको 250 में मिल रहा था। यहाँ पे बहुत सारी टॉप्स या ड्रेसेस वगैरह की कलेक्शन यहाँ पे मैंने देखी, जैसे ये वाला टॉप सिर्फ 250 में। देन यहाँ पे मैंने इयररिंग्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे पीसेस नोटिस किए, जो आप ऑनलाइन वगैरह देखते होंगे, ऑनलाइन स्टोर्स पे इतना एक्सपेंसिव मिलता है, बट यहाँ पे आपको अच्छे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे चोकर्स वगैरह की कलेक्शन भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। सो देन यहाँ पे बाहर निकलते ही मैंने एक शॉप देखी, यहाँ पे ये रेड वन, रेड कलर की ड्रेस इतनी प्रिटी लग रही थी देखने में, वाओ मज़ा आ गया था देख के बस। देन ये ब्लैक कुर्ती, कुर्तीज़ एंड ड्रेसेस वगैरह भी आपको हर स्टॉल्स पे इजीली अवेलेबल होगी। देन ये वाला जो बैग्स का स्टॉल था ये मेरे को बहुत प्रिटी लग रहा था देखने में, सो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो आप इन टाइप के बैग्स भी देख सकते हो। सो गाइज, आप लोगों ने मार्केट देख ही ली होगी, सो अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैं लाजपत नगर मार्केट से क्या क्या जेम्स उठा के लेके आई हूँ। और मतलब ये जो हॉल होने वाला है ना, अंडर 600 होने वाला है। यस गाइस, अंडर 600, मतलब 600 में आते क्या। और मैंने इतना सारा कुछ लिया है, ये देखो, ये देखो, ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी मैं कि क्या क्या लेके आई हूँ। सो गाइस, द फर्स्ट थिंग इज दिस कुर्ता सेट, मतलब जितने भी है ये सब कुर्ता सेट ही है, बस एक ही है जो कुर्ती है। सो
मज़ा ही आ गया था ये देख के मेरे को, मतलब देखते ही ये मेरे को पसंद आ गई थी। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ये काम वर्क किया हुआ है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आप देख ही लो इसको पास से। सो ये ऐसे गले के यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल सा वर्क किया हुआ है, एंड इसके यहाँ पे भी बीच बीच में पैचेस बने हुए हैं, सेम जैसे यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है वैसे यहाँ पे भी ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है। सो ये ओवरऑल कुर्ती मेरे को बहुत पसंद आई, कॉटन की कुर्ती है, मतलब आजकल कहाँ ही मिलती है, और जस्ट इन 600 में मुझे ये पूरा पेयर मिला। इसके साथ मेरे को एक प्लाजो भी मिला, ये देखो ये वाइट कलर में नॉर्मल सा है काफ़ी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यहाँ पे नीचे डिटेलिंग दी गई है इसमें, यहाँ पे बिल्कुल सेम जैसे कुर्ती पे दी गई थी वैसे ही इसमें सेम यहाँ पे है। सो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, और 600 में गाइस यार मुझे तो नहीं लगता कुछ आएगा। अगर ऑनलाइन भी आप ऐसी कुर्ती देखोगे तो अंडर मतलब 2000 में ही आपको ऐसे मिलेगा। सो मार्केट का ये मेरे को फ़ायदा हुआ कि मेरे को कुर्ता सेट्स काफ़ी प्रिटी प्रिटी मिल गए। बाय द वे ये मेरी मॉम का है, मेरा नहीं है, बट इसको मैं भी पहन सकती हूँ ओवर साइज करके, बड़ा अच्छा लगता है ये। एंड इसका कलर देखो इतना प्यारा लगता है कि वाओ मज़ा आ गया बस देख के। सो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखा दूँ कि मैंने नेक्स्ट क्या लिया है। नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट भी एक कुर्ता सेट है, ये देखो इतना प्यारा कूल, I love it, ये देखो वाओ इसका प्रिंट देखो यार, I mean, ऐसा प्रिंट आपको कहाँ मिलता है। पहले के जो मतलब पहले जो बहुत पहले सूट आते थे ना उनमें मैंने ये वाला डिज़ाइन देखा था, एंड अब फिर से ये वाला डिज़ाइन ट्रेंड हो गया है। एंड इसमें यहाँ पे ऐसे नॉट करने के लिए भी दिया हुआ है, एंड इसका यहाँ का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। बाकी इस कुर्ती में कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ प्रिंटेड है पूरे में नॉर्मल, बस यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी कूल लगता है ऐसे पहनने के बाद। एंड ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके साथ भी पेयर ऑफ प्लाजो मेरे पास है जो कि इसी के साथ का है, मतलब ये ब्लू में है ये नॉर्मल, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, नॉर्मल प्लाजो जो होते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई ऑन वगैरह भी लगा दूँगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद। सो ये भी मेरे को 600 का पड़ा, बस 600 का। सो गाइस द थर्ड कुर्ता सेट इज दिस पिंक कलर, मतलब ये तो मेरा फेवरेट है, ये दोनों भी मेरे को इतने पसंद नहीं आए, बट ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसको मतलब मैं ऐसे नॉर्मल कुर्ती जीन्स के ऊपर भी स्टाइल अप कर सकती हूँ, एंड इसके साथ प्लाजो भी है, बट प्लाजो मेरे को मिल नहीं रहा है, सो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, यहाँ पर ट्राई ऑन में ही दिखा दूँगी। सो अभी पहले आप ये कुर्ती देख लो, इतनी प्यारी इतनी मखमली सी कुर्ती, वाओ मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, वाओ मतलब ऐसे कहाँ ही मिलता है यार। ये देखो इसका जो यहाँ पे वर्क दिया हुआ है बहुत ही प्रिटी सुंदर लग रहा है, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, नॉर्मल बस प्रिंटेड है ये और ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मतलब ऐसी सिंपल कुर्तियाँ कॉलेज के और गर्ल्स के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड बस इसमें यहाँ की सारी ऐसे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है जो कि काफ़ी कूल लगता है। इसके साथ सेम मतलब सेम इसी प्रिंट का प्लाजो है, बट वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। सो मैं आपको यहाँ पर ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी तो आपको दिख जाएगा उसमें। सो ये भी मेरे को 600 की पड़ी, मतलब आपको मार्केट में ना स्टॉल्स दिखेंगे छोटे छोटे जहाँ पे ये लोग अंकल लेके बैठते हैं ऐसे कुर्ता सेट्स वगैरह, तो आप उसमें से मतलब देख सकते हो अपनी चॉइस का, तो बहुत सारे वहाँ पे कलेक्शन लगी होती है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। सो मैंने भी वहीं उन्हीं स्टॉल्स में से ये तीनों कुर्तीज़ ली है, और मेरे को ये इतनी प्यारी लगी थी, इसको तो मैं काफ़ी ज़्यादा पहनने वाली हूँ जीन्स टॉप की मतलब टॉप कर रही हूँ, तो इसको मैं जीन्स या फिर लेगिंग्स वगैरह पर स्टाइल कर सकती हूँ, एंड काफ़ी कूल लगेगी ये पहनने के बाद। सो द नेक्स्ट वन इज दिस, सो नेक्स्ट कुर्ती नहीं है, नेक्स्ट है शर्ट मैंने लिए, एंड मतलब मेरा तो दिमाग ऐसे हिल गया जब मैं वो लेके आई, उस वक्त इतनी कूल नहीं लग रही थी, बट जब मैं लेके आई और एंड फिर मैंने ना उसको सेम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पे देखा, एंड वो थी वहाँ पे 599 की थी, एंड मैं इसको सिर्फ 250 में लेके आई हूँ, सिर्फ 250 में। वैसे मैं ये लेने नहीं वाली थी बट मैंने इसको ले लिया, ये शर्ट इतनी प्यारी एंड कूल सी, वाओ ये तो मेरा मन करता है कि मैं रोज इसको पहनूं, इतनी ब्यूटीफुल सी शर्ट मेरे को ये लगती है प्यारी सी।
एंड ये फुल स्लीव्स की है। यहाँ पे इसको ऐसे दिया हुआ है डिटेलिंग एंड नॉर्मली इसमें कुछ खास नहीं है। आपको इसके अंदर ब्रालेट वगैरह पहननी पड़ेगी क्योंकि ये सी थ्रू है, बट इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को पहनने के बाद, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि चुभेगा आपको। सो 250 के अंदर मेरे को ये बहुत अच्छी डील लगी क्योंकि ये सेम मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पर देखी, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी लगाऊंगी। लाइक वहाँ पे 499 या फिर 599 की थी, बट ये मेरे को सिर्फ 250 में मिली, नॉर्मल स्टॉल्स पे मिली। सो मज़ा आ गया बस इसको लेके। सो अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने लिया है एक चिकनकारी कुर्ती। सो चिकनकारी कुर्ती मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब आजकल वैसे भी ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के पास ही कुर्तीज़ है। तो और मैंने पहन भी ये वाली रखी है, ये वाली तो मैंने कहीं और से ली थी बट ये मेरी फेवरेट है। एंड उसके बाद मेरी जो फेवरेट है वो है दिस ग्रे वन कुर्ती। सो ये देखो, अब ये आयरन नहीं हो रखी तो सॉरी फॉर दैट। सो ये देखो, ये प्यारा सा इसने काम किया हुआ है एंड इतनी ब्यूटीफुल लगती है ये पहनने के बाद। यहाँ पे भी ऐसे स्लीव्स पे भी ऐसे फूल पत्ती टाइप की बनी हुई है ये देखो, एंड यहाँ पे भी। सो ये काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, ऐसे नहीं है कि काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी। एंड यहाँ पे भी ऐसे पैचेस वर्क इसमें दिया गया है, इतना ब्यूटीफुल लगता है ये पहनने के बाद। एंड इसका जो ये वाला वर्क है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना अलग ही एक वाइब आती है। इसको आप लेगिंग्स के साथ या फिर जीन्स वगैरह के साथ पेयर अप करोगे ना, एंड इतनी ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद। सो गेस करो इसका प्राइस क्या होगा? ओनली 400 रुपीज़। मतलब सिर्फ 400 में, मतलब ऐसी कुर्ती सिर्फ 400 में कहाँ मिलती है? सिर्फ लाजपत नगर या फिर सरोजनी नगर में। सो लाजपत नगर से मेरे को, मतलब ना वहाँ पे एक ऐसे भैया ऐसे घूम रहे थे, राउंड लगा रहे थे, एंड मैंने उनके पास सडनली नोटिस किया। तो फिर उनके पास ना मतलब इसमें कलर्स अवेलेबल नहीं थे, मतलब नॉर्मल ब्लैक था, ब्लैक मेरे को लेना नहीं था बिकॉज ब्लैक सब पे है। सो एंड येल्लो इतना खास नहीं लग रहा था, फिर मैंने ये ग्रे वन ही चूज़ कर लिया बिकॉज ये थोड़ा यूनिक और अच्छा सा लग रहा था मेरे को देखने में। सो मैंने इसको ले लिया, बट ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद इसका कलर एंड मटेरियल वगैरह। सो अगर आप अफोर्डेबल रेंज में कुर्तीज़ वगैरह देखना चाह रहे हो तो लाजपत नगर इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर एथनिक वेयर, सो आप वहाँ पर देख सकते हो ये सब। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरा ये हॉल, ये छोटा सा क्यूट सा हॉल पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, इसमें जाना, बाय बाय।